मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स। क्लास 12th सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर का आज ये तीसरा लेक्चर है। बैक्टीरियोफेज वेक्टर पे आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स को एज क्लोनिंग वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं कि जब से जीन टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, तब से ही हम फेजेस को डेवलप कर रहे हैं एज क्लोनिंग वेक्टर्स। फेज डेरिवेटिव जो हैं, ये कंसिडर होते हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं मोस्ट सूटेबल क्लोनिंग व्हीकल्स। जब भी हमने कोई जीनोमिक यूकैरियोटिक डीएनए की क्लोनिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे सूटेबल वेक्टर हम मानते हैं फेजेस को, क्योंकि इसकी एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू प्लाज्मिड्स ज्यादा हैं। तो एडवांटेजेस इसकी क्या क्या हैं? हम थाउजेंड्स ऑफ फेज प्लेक्स जो हैं वो ओबटेन कर सकते हैं सिंगल पेट्री डिश में से। हम सिलेक्शन कर सकते हैं बाय डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन जो पॉसिबल है इसमें। इनविट्रो पैकेजिंग करवा सकते हैं हम एम्प्टी फेज के हेड में, जो पॉसिबल है, जिससे हम फेज इन्फेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। साइज सिलेक्शन ऑफ द पैकेज डीएनए जो है वो पॉसिबल है। मिलियंस ऑफ जो हमारे इंडिपेंडेंट क्लोन वायरस पार्टिकल्स हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम फॉर्मेशन कर सकते हैं जीन लाइब्रेरी की। बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस जो हैं ये जेनेटिकली कॉम्प्लेक्स होती हैं एंड बट वेरी एक्सटेंसिवली स्टडीड वायरस ऑफ इकोलाई है ये। डीएनए फेज जो है ये लीनियर ड्यूप्लेक्स मॉलिक्यूल है, जिसकी लेंथ 49 किलो बेस पेयर होती है। हम वायरस पार्टिकल से डीएनए को जो है आइसोलेट करते हैं, जो एक डबल स्टैंडर्ड लीनियर मॉलिक्यूल है, जिसमें शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड प्रोजेक्शंस होती हैं, जो 12 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और ये 12 न्यूक्लियोटाइड जो हैं इसके 5 प्राइम एंड पे मौजूद होती हैं। इसके जो कोहेसिव टर्मनी है, जिसको हम कॉसाइट्स भी बोलते हैं, ये एलो करती है कि डीएनए जो है वो सर्कुलाइज हो जब होस्ट सेल में इंफेक्शन हो जाती है, और ये डीएनए को पैकेजिंग जो है वो डीएनए की हो जाती है इसमें। अगर जनरल स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरियोफेज डीएनए की बात करें, तो जो जेनेटिक मैप है फेज का, उसमें कम से कम 40 जीन होती हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड होती है एक फंक्शनल क्लस्टर के अंदर। जीन कोडिंग, जैसे ये ए से जे तक जो जीन्स हैं, हेटरोजन की जीन्स जो हैं वो है लेफ्ट लीनियर, इस पे ये हेटरोजन की जो हैं जीन्स हैं, ये मोस्टली प्रोटीन्स होती हैं। अब जो हमारा ये सेंटर रीजन है जिसकी ये जीन्स हैं, जो रेस्पॉन्सिबल हैं लाइसोजिनाइजेशन के लिए, मतलब लाइसोजिन ऐसा प्रोसेस है जो वायरल डीएनए को इंटीग्रेट करता है दूसरे रिकम्बिनेंट के साथ। जो सेंट्रल रीजन है ये इतना ज्यादा एसेंशियल नहीं है कि लाइटिक ग्रोथ के लिए हम इसको उतना एसेंशियल भी नहीं मानते हैं। अब जो जीन्स है राइट सेंट्रल रीजन के राइट में, ये वाली जीन्स है, जैसे 6 रेगुलेटरी जीन्स हैं। इसके बाद इन दो जीन जो हैं जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू और पी के साथ, ये एसेंशियल हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। जब लाइटिक ग्रोथ होती है तो उस दौरान डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये दो जीन जो है, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी के साथ में दो और जीन हैं जिनको हम एसआर जीन बोलते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट होती है सेलुलर मेम्ब्रेन लाइसिस के लिए, इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हम फेज डीएनए में देखें तो जो लार्जेस्ट सेंट्रल रीजन है ये वाला, ये एसेंशियल नहीं है कि फेज की ग्रोथ या रेप्लिकेशन के लिए इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इस फेज को हम डिलीट भी कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, और इसी रीजन का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे फेज वेक्टर डेरिवेटिव्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर एफिशिएंट जीन क्लोनिंग के लिए, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फेज वेक्टर्स हैं, जैसे विल टाइप फेज डीएनए इटसेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड एज वेक्टर सिंस इट कंटिन्यूज टू मैनी रिस्ट्रिक्शन कंटेन्स टू मैनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स। कहता है विल टाइप फेज डीएनए इटसेल्फ जो है एज वेक्टर यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो प्रेजेंट होती है।
ये जो साइट्स हैं ये लोकेट होती हैं विद इन द एसेंशियल रीजन में जरूर होती हैं, जो जरूरी है फेज की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब इन विल्ड फेजेस से जो है डेरिवेटिव्स विद सिंगल टारगेट साइट्स या टू टारगेट साइट जो है वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंगल टारगेट साइट्स या दो टारगेट साइट जो हैं इन विल्ड टाइप फेजेस, इनके डेरिवेटिव से हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। फेज वेक्टर्स जो हैं जिनके अंदर सिंगल साइट होती है कि हम किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सके, उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं इंसर्शनल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनमें ऐसी साइट प्रेजेंट होती है कि जिसमें हम कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सकें, उसको हम बोलते हैं इंसर्शनल वेक्टर्स। वेक्टर्स जिनमें दो क्लीविंग साइट्स होती हैं जो एलो करती हैं फॉरेन डीएनए को सब्स्टिट्यूट करे, कि मतलब उसकी जगह कोई और दूसरी डीएनए सीक्वेंस ले ले, जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर्स। वो वेक्टर जिनमें दो क्लीविंग साइट होती हैं और एक फॉरेन डीएनए को कोई दूसरी डीएनए सीक्वेंस जो है उन दो साइट्स के बीच में रिप्लेस करे, उनको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर्स। उसके बाद इंसर्शनल वेक्टर्स हैं जो ये लार्ज सेगमेंट है नॉन एसेंशियल रीजन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और ये जो है ये दो आर्म जो है इनको हमने लाइगेट करना होता है एक दूसरे के साथ। ये हमने ये बीच वाले नॉन एसेंशियल रीजन को हमने काट कर दिया, क्लीव कर लिया और इसको लाइगेट कर दिया इन दो आर्म्स को आपस में। इंसर्शन वेक्टर जो है ये इसके अंदर एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जिसके अंदर इनके इसके अंदर एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, क्योंकि ताकि हम कोई डीएनए जो है इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। अगर दो पॉपुलर इंसर्शन वेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास लैम्डा GT10 है, ये वाला वेक्टर जो कैरी करता है 10^8 किलो बेस पेयर डीएनए, जिसको हम इंसर्ट करते हैं इको आरआई साइट पे। ये जो एंडो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस साइट है इस पे हम इसको इंसर्ट करवा सकते हैं, और जो किस CL जीन पे यहाँ पे CI जीन पे जो है वो प्रेजेंट है। इंसर्शनल एक्टिवेशन असल में होता क्या है? इंसर्शनल एक्टिवेशन बोलते हैं हम कि मान लीजिए कोई हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, उस रिकम्बिनेंट डीएनए में हम इसको इसके इस साइट पे जो है इंसर्ट कर देते हैं। इस इंसर्ट करने की वजह से क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस देता है एंटीबायोटिक के लिए, लेकिन जैसे ही हम वो जीन या वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस साइट पे इंसर्ट कर लेते हैं तो ये जो जीन है वो इसको इनएक्टिवेट कर लेता है, मतलब ये नॉन फंक्शनल हो जाती है। इसी तरह दूसरा है लैम्डा ZAP2 जो इंसर्ट करता है 10 किलो बेस पेयर डीएनए साइज को सेगमेंट जो है, लेकिन इसमें क्या है मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, 6 रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं इसके अंदर, जो इस लैग जेड जीन को क्या कर देता है इनएक्टिवेट कर देता है, जो जीन उस वेक्टर में होती है उस वेक्टर की वजह से ये जहां पे इस जीन को क्या कर देता है इनएक्टिवेट कर देता है। अब हमारा इकोलाई या लेमडा रिप्लेसमेंट वेक्टर हम जिसको बोलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है एक EMBL3 और लेमडा डैश की। लेमडा फेज डीएनए जो होता है इसको हम पहले क्लीव करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम कौन से इस्तेमाल करते हैं? बैम एच वन। अब इससे क्या हो जाता है कि हमारे पास एक लॉन्ग आर्म बन जाती है और एक शॉर्ट आर्म बन जाती है जिसको हम प्यूरिफाई कर देते हैं। इसका जो साइज है वो 19 किलो बेस पेयर है लॉन्ग आर्म का, और इसका साइज हो जाता है हमारे पास 9 किलो बेस पेयर। अब जो हमारे टारगेट फ्रेगमेंट्स हैं हम उनको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर बाय डाइजेशन। हम उसमें बैम एच आई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का भी इस्तेमाल करते हैं, या जो कंपेटिबल एंजाइम्स हैं हम उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। फिर हम इन टारगेट फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं अल्कालाइन फॉस्फेट के साथ ट्रीट करते हैं, ताकि ये जो दो फ्रेगमेंट्स है ये आपस में जुड़े ना, लाइगेट ना करे। अल्कालाइन फॉस्फेट प्रिवेंट करती है उनकी लाइगेशन को। लैम्डा आर्म्स और जो टारगेट फ्रेगमेंट है अब हमने इनको क्या करना होता है एक दूसरे के साथ लाइगेट
करवाना होता है एट रिलेटिवली हाई कंसेंट्रेशन पे, ताकि हमारे पास लॉन्ग लीनियर प्रोटोबायंट्स की फॉर्मेशन हो, जहां पे ये दिखाया गया है। उसके बाद ये पैकेजिंग होती है। अब पैकेजिंग और इन्फेक्शन कैसे होती है, वो रिकॉम्बिनेंट्स जिनको हम पैकेज नहीं कर सकते, पैक नहीं कर सकते, लाइगेटेड लैम्डा एंड्स विच डू नॉट कंटेन इन इंसर्ट, कहता है ऐसे लाइगेटेड लैम्डा एंड जिनके अंदर इंसर्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ये इससे रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और दूसरा ऐसा इंसर्ट या तो जो बहुत ही ज्यादा छोटा हो या लार्जर हो कि उसकी जो साइज है वो 20 किलो बेस पेयर से ज्यादा हो, उसको भी हम पैक नहीं कर सकते। इसी तरह रिकम्बिनेंट्स जिनके लेफ्ट और राइट आर्म्स होते हैं उनको भी हम जो है वो पैक नहीं कर सकते। ये इनविवो है, यहाँ से क्लीव किया हमने, यहाँ रेप्लिकेशन हो रही है। कैनकेटामीटर्स, अब कैनकेटामीटर्स क्या होते हैं, कैनकेटामियर्स, कैनकेटामियर्स होते हैं कि डीएनए सेगमेंट के लॉन्ग डीएनए सेगमेंट होता है जिसमें मल्टीपल कॉपीज होती हैं डीएनए सीक्वेंसेस की, एक जैसे डीएनए सीक्वेंसेस की बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं ये इंडिविजुअल जीनोम में। अब ये इनविट्रो हुआ ट्यूब के अंदर जहां पे मिक्सचर है फेज कोड प्रोटीन का और फेज डीएनए प्रोसेसिंग एंजाइम का। अब यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है, ये फेज पार्टिकल्स हैं और सेल इंफेक्शन ऑफ इकोलाई। प्लैक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्लैक्स आर द एनालिक्स ऑफ सिंगल बैक्टीरियल कॉलोनीज। प्लैक जो है ये क्या है कि बहुत सारी कॉलोनी जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेरेबल होती है। फॉर्मेशन कैसे होती है कि इकोलाई सेल जो है, जो इन्फेक्टेड इकोलाई सेल्स हैं उनको पैकेजिंग रिएक्शन के दौरान सेपरेट किया जाता है अगर प्लेट में, ठीक है। अब उस प्लेट में पहले ही हमने कुछ अनइन्फेक्टेड सेल जो है रखे होते हैं, स्प्रेड किए होते हैं, जो ग्रो करते हैं कि कंटिन्यूस लॉन, एक कंटिन्यूस लॉन की फॉर्मेशन हो, जैसे कि यहाँ पे इकोलाई लॉन जो ये बताया गया है। अब इंक्यूबेशन के बाद क्या होता है कि जो फेज इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो क्लियर एरियाज में आ जाते हैं जो प्लेक्स होते हैं, दैट आर प्लेक्स वेयर साइकल्स ऑफ लाइसिस एंड री इन्फेक्शन हैव प्रिवेंटेड द सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग। जहां पे क्या हो जाता है कि री इन्फेक्शन और लाइसिस जो साइकिल का होता है वो सेल को ग्रो करने नहीं देता है। अब ये देखो ये प्लैक्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। प्लैक्स हम किसको बोलते हैं, प्लैक्स उनको बोलते हैं हम जो विजिबल होते हैं जब किसी सेल कल्चर में, विजिबल स्ट्रक्चर जिनका होता है उनको हम बोलते हैं प्लैक्स। रिकॉम्बिनेंट लैम्डा डीएनए मे बी प्यूरिफाइड। अब रिकॉम्बिनेंट लैम्डा डीएनए को प्यूरिफाई किया जाता है किससे, फेज पार्टिकल से आइसोलेटेड फ्रॉम प्लैक्स, फेज फ्रॉम फेज पार्टिकल आइसोलेटेड फ्रॉम प्लैक, या फ्रॉम द सुपरनेटेंट ऑफ अ कल्चर इन्फेक्टेड विद अ स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेंट प्लैक्स से हम इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा बैक्टीरियोफेज M13। इसके जीनोम फीचर है कि इसका साइज जो है वो स्मॉल है, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर जीनोम होता है। इन्फेक्शन क्या है कि M13 पार्टिकल जो है स्पेसिफिकली इकोलाई के साथ, जो इकोलाई की सेक्स पिलाई होती है उसके साथ अटैच होते हैं। अटैच कैसे होते हैं, थ्रू अ माइनर कोड प्रोटीन जिसको हमने G3P से डिनोट किया है। इकोलाई सेक्स पिली क्या होता है, ये एनकोड करती है कि बाया प्लाज्मा जिसको हम एफेक्टर बोलते हैं। अब बाइंडिंग ऑफ जो कोड प्रोटीन है वो इंड्यूस करती है इस मेजर कैप्सिड जो है प्रोटीन का कैप्सिड जो है वो उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस इंड्यूस करती है, जिससे क्या हो जाता है कि होल पार्टिकल जो है वो छोटा हो जाता है और वायरल डीएनए जो है वो इंजेक्ट हो जाता है होस्ट सेल के अंदर। ये होस्ट एंजाइम दिखाई हुई है यहाँ पे। इकोलाई या M13 फेज वेक्टर्स, अब फेज पार्टिकल जो है इनका, इकोलाई या M13 फेज वेक्टर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फेज पार्टिकल जो है 6.7 किलो बेस पेयर सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जब इन्फेक्शन होती है सेंसिटिव इकोलाई होस्ट सेल में तो कंप्लीमेंट्री स्ट्रेन जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है जैसे प्लाज्मा में होता है, और डीएनए जो है रेप्लीकेट होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जिसको हम रेप्लीकेटिव फॉर्म बोलते हैं। ये यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसकी रेप्लीकेशन हो गई
ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे बन के आ रहा है, जिसको हम रेप्लिकेटिव फॉर्म भी बोलते हैं। अब फीचर्स क्या है कि होस्ट सेल जो है ये ग्रो करता रहेगा, लेकिन इसकी ग्रोथ काफी स्लो होगी। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म्स आर कंटिन्यूअसली पैकेज्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द सेल एज न्यू फेज पार्टिकल। सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म जो है वो कंटिन्यूअसली पैक होते रहेंगे और रिलीज हो जाएंगे सेल से एज न्यू फेज पार्टिकल। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो है कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग उसके अंदर है, साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस उसके अंदर होती है। अगर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें, जिसको हम रेप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए भी बोलते हैं, इसको हम प्यूरिफाई करते हैं इनविट्रो। इनविट्रो मतलब ट्यूब के अंदर हम इसको, या लेबोरेटरी के अंदर हम इसको जो है प्यूरिफाई करेंगे, और जो मैनुपुलेट एंड मैनुपुलेटेड एक्जेक्टली लाइक अ प्लाज्मिड, जिस तरह हम प्लाज्मिड को मैनुपुलेट करते हैं उसी तरह हम इसको भी मैनुपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है क्लोनिंग इन M13। अब पर्पस क्या है कि जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है किसी फ्रेगमेंट का जो हमें रिक्वायरमेंट है, M13 वेक्टर हम वहां इस्तेमाल कर सकते हैं एज कॉमन क्लोनिंग टूल। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की प्रिपरेशन कैसे होती है? सबसे पहले क्लोनिंग होती है कि स्टैंडर्ड प्लाज्मिड क्लोनिंग मेथड का इस्तेमाल करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं इस M13 वेक्टर के अंदर। जैसे हमने इनकॉर्पोरेट करवाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए M13 वेक्टर के अंदर, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि M13 जो है ये इन्फेक्ट कर देता है इस सेंसिटिव इकोलाई सेल्स को। उसके बाद प्लेटिंग होती है कि वो सेल ग्रो करेगा टू फॉर्म द प्लेक्स, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर सेल्स वो सेल ग्रो करके हमारे पास ऐसे विजिबल स्ट्रक्चर हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उसको आइसोलेट करना है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में देन बी आइसोलेटेड फ्रॉम फेज पार्टिकल इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द प्लेट कहता है। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम आइसोलेट करेंगे उस फेज पार्टिकल से जो उस ग्रोथ प्लेट में जो ग्रोथ मीडियम प्रेजेंट है उसमें से हम उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो आइसोलेट कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग कैसे करते हैं कि हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट और लैक्स जीन लेके ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के थ्रू हम उसको इनकॉर्पोरेट करवाते हैं M13 वेक्टर के अंदर। जैसे एग्जांपल है हमारे पास M13 MP18 M13 MP19 विच आर अ पेयर ऑफ वेक्टर्स इन विच द मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स आर इन अपोजिट ओरिएंटेशंस, जो बिल्कुल M13 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तरह होती हैं। उसके बाद है हाइब्रिड M13, हाइब्रिड प्लाज्मिड M13 वेक्टर्स किसको बोलते हैं? ए नंबर ऑफ स्मॉल प्लाज्मिड वेक्टर्स, जैसे हमारे पास पी ब्लू है, स्क्रिप्ट है, इनको डेवलप किया गया है कि हम इनकी डेवलप करने के बाद इनको M13 फंक्शनलिटी में इनकॉर्पोरेट कर सकें, कि M13 के जो फंक्शंस हैं उनके अंदर हम इनको इनकॉर्पोरेट कर सकें। स्ट्रक्चर क्या है कि ये दे कंटेन बोथ प्लाज्मिड और M13 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, लेकिन ये वो जीन पोजेस नहीं करती है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि लाइफ साइकिल फेज फॉर फुल लाइफ साइकिल फेज, वो जीन्स ये जो है ये पोजेस नहीं करती। अब इनके काम करने का तरीका क्या है? वर्किंग वे जो है दो टाइप के होते हैं। प्लाज्मिड वे वो नॉर्मली प्रोपोगेट एज टू प्लाज्मिड्स, हम उनको प्रोपोगेट करवाते हैं एंड हैव द एडवांटेजेस ऑफ रैपिड ग्रोथ, जिससे हमें ये एडवांटेज मिलती है कि रैपिड ग्रोथ होती है और हम इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं प्लाज्मिड वेक्टर्स को। अगर हम फेज वे देखें तो दे कैन बी इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस सिंगल स्टैंडर्ड फेज पार्टिकल, हम उसको इंड्यूस करवाते हैं ताकि सिंगल स्टैंडर्ड फेज पार्टिकल हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड पार्टिकल फेज पार्टिकल हमारे पास प्रोड्यूस हो जाए। कैसे? बाय को इन्फेक्शन विद फुली फंक्शनल हेल्पर फेज विच प्रोवाइड्स द जीन प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंगल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, जो हमें प्रोवाइड करता है कि जो जीन्स हमें जरूरत होती है किसकी प्रोडक्शन के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और उसकी पैकेजिंग के लिए जिन जीन्स की हमारे पास जरूरत होती है। तो बच्चों ये था हमारा बैक्टीरियोफेज वेक्टर।
जिसको हम यूज करते हैं एज क्लोनिंग वेक्टर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे हमारे कॉस्मर्स, कॉस्मर्स एज क्लोनिंग वेक्टर। थैंक यू।